सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। हेलो एंड वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है जी आपका। स्वागत है इस बार हमारे अपने पेंड, हमारे अपने विलेज पंजाब में स्थित नूर महल से जी। और आप ये जो इर्द गिर्द जितने भी फील्ड्स देख रहे हैं ना, जितना भी खेत वे देख रहे हैं, ये सब हमारे एंसेस्टर्स के हैं जी, हमारी फैमिली के हैं। और हम यहाँ पे आए हैं आज कुछ बहुत अमेजिंग खाना तलाश के, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो केयर टेकर हैं चाचा जी, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं, वो यहाँ पे मूली उगाते हैं, यहाँ पे पालक उगाते हैं, यहाँ पे शलगम भी उगाते हैं, यहाँ पे गोभी भी उगाते हैं, यहाँ पे धनिया भी उगाते हैं, हरी मिर्ची और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाई जाती है। और जो इनका स्वाद है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। पानी का फ़र्क कह लीजिए, टेस्ट का फ़र्क कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो भी है ना, वो मुझे बार बार यहाँ पे खींच लाता है। और जो पंजाब की मिट्टी है, पंजाब की खुशबू है ना भाई, वो इतनी अमेजिंग है कि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं ना, आप उसका लुत्फ ना उठा नहीं पाएंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, बहुत सारा खाना खाएंगे। आंटी यहाँ पे हमारे लिए कुकेंगी, चाची हमारे लिए यहाँ पे हमारे लिए खाना पकाएंगी, और क्या क्या पकाएंगी वो आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बना रहना पड़ेगा देखने के लिए। अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग हवा, अमेजिंग जगह, और वाह भाई अपना पंजाब। और जी हम इस समय अपने खेतों में आए हैं जैसे कि आपको पता ही हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हम उगाते हैं। और ये हमारे चाचा जी हैं जी, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं हमें यहाँ पे सब्जियाँ दिखाने में। तो ये हमारे को दिखाने आए जी गोभी, थोड़ी सी कह रहे हैं कि अभी पूरी फसल हुई नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपको दिखाएंगे। चाचा जी दिखाओ, केड़ी गोभी दिखा रहे हो। लो जी थोड़ा सा पास आके देखो जी, कितना प्यारा छोटा सा फूल है। वाह जी वाह। चाचा जी कट लो, साढ़े वास्ते परांठे ज़्यादा नहीं खाएंगे आज फिर। ठीक है। वाह जी वाह। ये है जी गोभी, ये देखिए आप कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे गोभी को उगाया जा रहा है। वाओ दैट इज़ ब्यूटिफुल। और जी हमने गोभी तो देख ली, और अब हम देखेंगे जी शलगम। शलगम की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल है। तो चाचा जी शलगम दिखाओ फिर, उन कट के दिखाइयो एक। क्या बात है जी। ये देखो जी, ये है जी वो शलगम, और इसके जो ये लीव्स आप देख रहे हैं ना, इसको भी इस्तेमाल में किया जाता है जी हमारे घरों के अंदर। और जो मूली है उसके भी पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो गोभी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इतनी अमेजिंग है, मैं तो इसको ऐसे ही धो के खाने वाला हूँ जी। और जी अब मैं आपको दिखाऊंगा जी हमारे यहाँ पे मूली किस तरीके से उगाई जाती है, और कितनी अमेजिंग यहाँ पे जो मूली का साइज़ है ना, ऐसा आपको दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो चाचा जी मूली निकाल के दिखाओ जी, क्या साइज़ है मूली का आपकी। वाओ मैन लुक एट दैट। आपने कभी ऐसी मूली दिल्ली में देखी है तो मुझे कमेंट्स में जाके बताना जी कि आपने ऐसी मूली कहाँ पे देखी है। इतनी परी चाचा जी कितने किलो की होगी ये? 2 किलो की एक मूली, इमेजिन गाइस। ये देखिए जी ये साइज़ है उन मूलियों का जो कि हम अपने खेतों से तोड़ के लाए हैं। अब मैं चाची जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि मूलियों को धो के हमारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना दें, और साथ में एक कप चाय दे दें। और इतने अमेजिंग वेदर में अगर आप मूलियों के पराठे खाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आ जाओ जी खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं जी, आ जाओ। और जी हमारा जो पराठा है, जो चाची ने हमारे लिए पराठा तैयार किया है, वो बनके एकदम तैयार है। और आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग तरीके से हमारे पंजाब में इसको तैयार किया जाता है। दिल्ली में गैस के चूल्हों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लक्कड़ का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो जो गाय के उपले होते हैं उनका इस्तेमाल करके खाने को पकाया जाता है। इसीलिए वो सारा फ्लेवर और जो टेस्ट आप देखते हैं वहाँ से आता है।
तो ये देखिए थोड़ा सा पास आके पराठा जो है कितना अमेजिंग तरीके से तैयार किया गया जी। पहले एक लेयर को नीचे बिछाया गया रोटी की, उसके ऊपर बूली स्टफ़ की गई और उसके बाद एक और ऊपर लेयर रखी गई और उन्होंने अपनी थोड़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें मसाला नहीं किया जैसे हम दिल्ली में करते हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली। और पंजाब में है तो घी की तो बात करें ही मत क्योंकि घी बहुत सारा होता है। इसकी एक बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं जी इसका स्वाद। इसका स्वाद मैं आपको क्या ही बताऊं कि कुछ चीज़ों के लिए ना आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, ये उनमें से एक है जी। ये बहुत प्यार से बनाया गया है इसलिए आई थिंक ये सबसे अमेजिंग पराठा है। माँ के हाथ से वैसे भी कोई चीज़ बने, चाची के हाथ से वैसे भी कोई चीज़ बने, वो बहुत अमेजिंग होती है जी। ऑल राइट जी, अभी आपने देखा कि किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे गुड़ को बनाया जाता है और मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने किलो यहाँ पे जो शुगर केन है वो आता है। उसके बाद उसको उसका जूस निकाला जाता है, उसके बाद उसको साफ़ करने के लिए डाला जाता है, उसके बाद उसको दूसरे पॉट में डाला जाता है, उसके बाद उसका जो फाइनल प्रोसेस है गुड़ बनने का वो तैयार होता है और जो गुड़ है उसको फिर इतने बड़े जो आपने देखा अभी यहाँ पे जो पत्थर लगा के रखा है इन्होंने गोल सा, उसके ऊपर डाला जाता है, उसके बाद फ्लैटन करके इसको पकाया जाता है। भाई बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। अगर आपको कभी भी मौका मिलेगा ना पंजाब आके गुड़ का प्रोसेस देखने के लिए तो गाड़ी रोक लेना, एक बार देख लेना और गर्मा गर्म ना गुड़ खा लेना। भाई देयर इज़ नथिंग बेटर देन फ्रेश गुड़। और इन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से ना थोड़ा सा निकालो और उसको अपने हाथ पे रखो और फिर खाओ, देखो क्या मज़ा आता है। तो ये है जी औजार जिससे हम थोड़ा सा गुड़ को निकालेंगे। ये है जी फ्रेश गुड़ का लॉट जो अभी अभी यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से तैयार किया जाता है। और गुड़ तो आप सर्दियों में जितना खाएं जी उतना बढ़िया है, खाने के बाद इट एक्ट लाइक एन अमेजिंग डाइजेस्टिव। आओ जी इसका मजा लेते हैं। वाह भाई, जो चीज फ्रेश है ना वो फ्रेश ही है। और अभी हाल फिलहाल में 5 मिनट पहले ही बनी, उसके बाद उन्होंने उसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर दिए और बेचने के लिए रेडी हो गए। 50 रुपये किलो आपको पूरे पंजाब में मिल जाएगा। और आप कहीं पे भी रुक जाना और किसी से भी बोलना कि हमारे को फ्रेश गुड़ बना दो तो आपको फ्रेश गुड़ भी बना के दे देंगे। और जी हम पहुंच चुके हैं जी अपने दूसरे पिंड में, जो मैंने आपको बताया था कि हम जहाँ पे बहुत सारा खाना एंजॉय करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे लिए बहुत अमेजिंग चीज़ें बनने वाली हैं। मुझे अभी प्रभजोत जी ने बताया कि यहाँ पे कड़ी चावल बनेंगे, बैंगन का भरता बनेगा और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें बनेंगी। तो आप बने रहिएगा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको जो पंजाबी टेस्ट है ना वो पूरा एंड तक मज़े से खिला भी सकें और आपको उसका स्वाद भी बता सकें। और आप देख रहे हैं कि मैं मंजे पर आके अपना बैठ गया आराम से। यही मज़ा है जी पंजाब का। अगर आप कभी नहीं आए तो एक बार आ के ना देखना ज़रूर, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो हमारे दिल्ली में आप देखते हैं कि हम लोग आजकल मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं और उसमें अपना मसाला जो है वो कूटते हैं, चाहे प्याज हो या टमाटर हो। और लेकिन जो पिंड में आप देखते हैं ना, पिंड में आज भी उसी तरीके से मसाले को कूटा जाता है जैसे पहले कूटा जाता था। यहाँ पे मोटर एंड पेसल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद प्याज हो या टमाटर हो या हरी मिर्ची हो या धनिया हो या लहसुन हो या अदरक हो, सबको एक साथ ही कूटा जाता है। दोरी सोटा इसको बोलते हैं पंजाबी में। और उसके बाद इसको मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो हम मसाला घर पे इस्तेमाल मिक्सी में यूज़ करते हैं और जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पंजाब आए और आप साग ना खाएं और साथ में मक्की की रोटी ना खाएं। तो जो नेक्स्ट डिश हमारे लिए यहाँ पे दीदी बना रही है वो बना रही है जी साग। और साग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती है, साग है, पालक है, मेथी है, साथ में कनिया है, साथ में धनिया है, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है और प्यार तो बहुत ही सारा है। जब मैंने इनको बताया कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इन्होंने ना बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारा और सामान हमारे लिए पकाया है। तो ये आंटी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारा खाना बाकियों के साथ बना रही हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने है अभी चिकन बना रहे हैं जी। आ जाओ हम भी एक बार देखते हैं कि चिकन कितना तैयार हो गया है और आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। वाह जी वाह, लुक एट दैट भाई, वाह। मतलब इतना प्योर अगर दिल्ली में मिल जाए ना, नज़ारे वाले जी नज़ारे। वाह जी,
नहीं, हमारी जो कुकिंग की आज जान है ना वो दो हैं, एक रानी आंटी हैं और एक कमल दीदी हैं। इनको मैं दीदी बोलूंगा, चाहे मेरे से बड़ी हो या छोटी हो मुझे नहीं पता, बट कोई गल नहीं। तो रानी आंटी हमारे लिए बहुत सारी अमेजिंग डिशेस बना रही है। रानी आंटी क्या क्या बना रहे हो बताओ। आज एक बनाया सर, देखिए कढ़ी चावल। अच्छा जी। एक सिरके विच गोभी ते गाजर दा अचार। क्या बात है जी। ते एक आलू गोभी दी सब्जी। बहुत ही बढ़िया जी। ते एक साग। हाँ जी। एक चिकन। क्या बात है। हाँ जी। मतलब इतना होना सी मक्की दा आटा छाने। क्या बात है। साग, साग के लिए आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दिया। बैंगन का भरता। यस। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे बनाई है। भाई यही प्यार है आपको इसके लिए तो। और ये जो आपको इतनी अमेजिंग ट्रीट है ना वो भी हम दिखाएंगे वीडियो में, एंड तक बने रहना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से करो, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं आने वाले टाइम में। और खाएंगे, खिलाएंगे और मज़े लेंगे। और जी तो हमारा जो खाना है वो हमारे सामने ऑलरेडी लग चुका है और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब खाना बनेगा और कब हम यहाँ पे खाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी डिशेज़ बनी और जिनमें से साग है, चावल है, चिकन करी है, भरता है, आलू गोभी है, कढ़ी है और मक्की की रोटी है। बोलते बोलते मेरे मुँह बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। आई कांट वेट टू ट्राई ईट। आइए खाते हैं। सबसे पहले अपनी प्लेट को सजाते हैं जी, उसके बाद आपको उसका स्वाद चखाते हैं। और जी जो हमारी जो प्लेट है जी वो सज चुकी है और इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। ये रहा जी साग, ये रहा जी बैंगन का भरता, ये है जी आलू गोभी, ये है जी कड़ी, ये है जी चिकन करी, ये है जी राइस और ये है जी मक्की की रोटियाँ। ल्यूक ने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है, आइए इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा इसका स्वाद लगता है। यू ऑलरेडी स्टार्ट ईटिंग। यू नीड टू कैच अप मैन, इट्स सो गुड। रियली? या, इट जस्ट टेस्ट लाइक व्हाट डिड यू लाइक होम कुक्ड एंड टेस्ट विद लव। आई लव द एगप्लांट बट द चिकन इज आल्सो अमेजिंग। क्या बात है जी। तो ये कह रहे हैं कि जो भी है बहुत अमेजिंग है, लेकिन जो इनकी फेवरेट है वो है जी आपकी ये जो हमारा बैंगन का भरता है और ये चिकन की करी है। आ जाओ जी हम भी ट्राई करते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। सबसे पहले हम भी कड़ी से शुरू करते हैं जी, चावल और कड़ी मिक्स करके। मेरे मुँह बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और बहुत अमेजिंग तरीके से इसको बनाया गया है। Here's some salad for you. Oh, thank you. Wow. This curry is amazing, right? Oh, it's very spicy also, but It is very spicy. You like spicy? I love spicy. और ये है जी आलू गोभी। Amazing. You gotta try the eggplant, man. Yeah, I'm trying that now. Wow, it looks amazing. Mm-hmm. Let's try this. I love it. Wow. हमारे घर में बहुत अलग तरीके से बैंगन के भरते को तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया। लेकिन जिस भी तरीके से किया गया, सच बोल रहा हूँ, ये एग प्लांट या ये बैंगन का भरता बहुत ही अमेजिंग है गाइस। यू हैव टू ट्राई दिस, ये बहुत अमेजिंग है। उसके बाद जी इनकी चिकन करी देखो कितनी थिक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ये मसाले को रेडी करते हैं वो अपने आप में बहुत अमेजिंग है। और धोनी सोटे का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद मसाले के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। आपने देखा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्ची है, धनिया है और इनके अपने कुछ मसाले हैं। बनती है एक बाइट, आ जाओ। इट माइट लुक सिंपल बट इट इज़ वेरी टेस्टी। ओह या, बहुत ही अमेजिंग है जी। जो धोनी सोटे से प्याज को कूटा गया है ना, शायद उसने इसकी जो पहचान है, इसकी जो टेस्ट है ना, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको कहा था पंजाब आओ, मक्की की रोटी और साग ना खाओ। आ जाओ जी। अच्छा तो हम सबसे लास्ट के लिए रोक के और बचा के लिए रखते हैं, खाते हैं मक्की की रोटी और साग। लेट्स ट्राई दिस। नाइस। यू लाइक द साग? आई लव द साग, इट्स गॉट सच एन अमेजिंग टेक्सचर। बहुत ही गजब, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही उमदा जी ये खाना खा के। सचमुच एक चीज़ जो मैं कहूँगा वो कहूँगा कि जितनी प्योर पंजाब की मिट्टी है उतना ही प्योर पंजाब का स्वाद भी है। सचमुच खा के मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। इससे अच्छी वीडियो और इससे अच्छा खाना ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन जो भी था बहुत ही अमेजिंग था। थैंक यू आंटी, बहुत बढ़िया खाना थी, मज़ा आ गया। इनके हाथों से जो आपने देखा खाना, इन्होंने और एक और हमारी जो दीदी आपने देखी थी, इन दोनों ने मिलके खाना बनाया और बहुत ही अमेजिंग खाना था। और मेरी खाने की जो तलाश है वो हमेशा यूं ही जारी रहेगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जगह पर, एक नए खाने की तलाश में। बने रहिएगा और देखते रहिएगा।